हेलो फ्रेंड्स, आरएनपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रितेश आपके लिए लेकर आया हूँ जुलाई के सेकंड वीक का करंट अफेयर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। हमने टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। नमामि गंगे परियोजना के कायाकल्प के लिए विश्व बैंक कितनी राशि प्रदान करेगा? विश्व बैंक इस बार $400 मिलियन को प्रोवाइड करेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इस बार 117वीं है। अगर पहले रैंक की बात करें तो स्वीडन को पहली रैंक मिली है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में इजराइल द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? तो ऑफिक 16 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशन समुद्र सेतु को पूरा किया है, यह किस तारीख को शुरू किया गया है? तो ये 5 मई 2020 को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो लगभग 750 मेगावाट यूनिट की क्षमता है, उसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर बात करें जनरेटिंग यूनिट्स की, तो इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। कितनी? 250 मेगावाट की क्षमता की जो यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स उनमें बांटा गया है। कितने क्षेत्र में इसको बनाया गया है? तो 1500 हेक्टेयर की जमीन है उस पर बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो असम ने ये निर्णय लिया है। असम के CM जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 100% LPG कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का जो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश बन गया है 100% LPG कनेक्शन देने के लक्ष्य को पूरा करने वाला। CM यहाँ के जयराम ठाकुर है, गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने ये बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। इसका जो CM है कर्नाटक के जो BS येदुरप्पा हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंजेति श्रीनिवास जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। इनका जो टर्म होगा 3 साल का होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रथम भारतीय CEO कौन है? तो जो जयंत कृष्णा है वो प्रथम भारतीय CEO होंगे यहाँ के, और किसकी जगह लेंगे ये? रिचर्ड हेल्ड की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा नायन आमाई डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो महाराष्ट्र में किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में कौन से पहले 2 देश हैं जिन्होंने 2023 के लक्ष्य से पहले ही रुबेला और खसरा को समाप्त कर दिया है? तो मालदीव और श्रीलंका जो हैं इसको पहले जो दो कंट्री हैं जिन्होंने इसे रुबेला और खसरा को समाप्त कर दिया है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि RTI ग्रैंड प्रिक्स का Formula 1 सीजन किसने जीता है? तो वाल्टरी बॉटस जो हैं इन्होंने ये सीजन जीता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान जो है राजस्थान ने शुरू किया है। राजस्थान के जो CM हैं अशोक गहलोत हैं, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के आधार पर भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 8वीं है। PM मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। यहाँ के CM जो है शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल को ये एक्स्ट्रा पद भार दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए उस PSU का नाम बताएं जिसने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो EESL जो है इसका सही आंसर है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI का उपयोग करने के लिए ब्लूइस का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर है उड़ीसा, इसका सही आंसर है ब्लूइस का फुल फॉर्म अगर बताएं तो भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो
नवीन पटनायक हैं और गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रीतर रानी जो कि हाल ही में खबरों में हैं वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो वो हॉकी से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने BCCI के CEO पद से इस्तीफा दिया है, तो राहुल जोहरी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ली विजन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ची ल्यूपो नामक चित्र के लिए 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है, तो इसका जो सही आंसर है केजंग जी थोंगडॉक, जो इसका सही आंसर है केजंग जी थोंगडॉक। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं वो रस्किन बॉन्ड है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जुलाई 10 को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र में विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये जुलाई 11 को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स पर भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है इस बार 37वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है, तो कर्नाटक इसका सही आंसर है। कर्नाटक की जो स्टेट है उसने इस बार प्रोवाइड करने की घोषणा की है उन हैंडलूम वेवर्स को जो लगभग 19,744 हैं, उनको 2000 एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट वो करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक ग्रीन रेलवे बनने के मिशन मोड पर है, तो 2030 तक ये ग्रीन रेलवे बनने के मिशन मोड पर है। इसका जो मेन एम है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस कंपनी ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है, उसका जो सही आंसर है NTPC। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन रेलवे ने एक स्पेशल पार्सल ट्रेन भेजा है, किस देश को भेजा है, तो ये बांग्लादेश को भेजा है। और ये पहली बार होगा कि इंडियन रेलवे ने लोड किया है स्पेशल पार्सल ट्रेन बियॉन्ड द कंट्री। ये जो भेजा है बांग्लादेश के बेनापुल में भेजा है, कहाँ पे भेजा है, तो ये रेडी पैलम जो गंटूर की डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश स्टेट में, वहाँ से इन्होंने ड्राई चिली को भेजा है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, तो अमेरिका जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा खिलाड़ी 4000 रन बनाने और टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला दूसरा सबसे तेज ऑलराउंडर बन गया है, तो बेन स्टोक्स जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन ऑफ द डे में अगर बात करें तो अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है, तो जो मैडलिन स्वेगल हैं ये महिला पायलट बनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स शो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।